नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज जो वीडियो है वो मैंने बनाई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो आप जानते हैं अभी हमने इंग्लिश ग्रामर जो है हाल ही में स्टार्ट की है, और इंग्लिश ग्रामर में टेंस क्या होता है और टेंस का एक प्रकार जो की है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो की मैं यहाँ लिख देती हूँ, अभी तक नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि सीरीज से जब आप चलेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। टेंस मैंने बताया था, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीन टेंस है और उसमें भी सब टाइप्स है, सबकी चार चार प्रकार है। तो पहली जो प्रकार है प्रेजेंट टेंस जो है, उसका पहला प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इनका एग्जाम्पल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको बहुत ही हेक्टिक होकर ऐसे देखेंगे कि अरे पता नहीं क्या आ गया, तो आपको वो कठिन लग सकता है। ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हुआ, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सिंपल टेंस। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे वो सामान्य बातों के लिए प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जहाँ पे जो घटना अभी हो रही होती है, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ इसी समय, वो सारी जो बातें हैं वो जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि अभी हाल में चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के साथ में ध्यान रखिएगा क्या आता है, यहाँ पे इज एम और आर आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताती हूँ। सब्जेक्ट कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है इस समय। ठीक है, ये हमने सेंटेंस ले रहे हैं, तो राम अभी खेल रहा है, तो राम के साथ में क्या आएगा, जब भी सिंगुलर चीजों के लिए पूछा जाता है तो वहां पे इज लगता है, जहां पे प्लूरल बात होती है वहां पे क्या लगता है, आर लगता है, और एम जो है वो हमेशा लगता है आई के साथ। ठीक है, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आई इज डूइंग दिस, है ना, हमेशा आई के साथ एम लगता है। तो जहां पे भी प्रेजेंट की बात होती है हमेशा याद रखिएगा आई के साथ एम लगता है। सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ में क्या लगता है, उनके साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ में आर लगता है, पर यू जो है उसको हमेशा यू, भले ही हम एक ही व्यक्ति की बात करें तो यू के साथ भी आर लगेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था, इसके भी चार वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी चार प्रकार है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी देखिए, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों को कहा जाता है, जहाँ पे जैसे राम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल अभी दिया ही था, इसी को ले लेते हैं राम। अब यहाँ पे क्या लगेगा, राम के साथ में इज लगेगा, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इज। अब वर्ब, वर्ब क्या है, प्ले, राम इज प्ले, और प्ले के साथ में आई एन जी लगेगा, तो राम इज प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो क्या वाक्य बना हमारा, यहाँ पे वाक्य बना राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आई के साथ आप बना के देख लेते हैं, आपको एम के साथ भी लगाना है, तो आई के साथ एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको, आई एम सिंगिंग। सिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है, और आई एन जी इसके साथ हम जोड़ेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। यहाँ पे जहाँ पे भी सकारात्मक बात आती है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पे एकदम सिंपल, ध्यान रखिएगा इज एम आर आएगा,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी लगेगा। अभी दूसरा जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। जहां पे राम जो है सकारात्मक क्या हुआ, राम क्रिकेट खेल रहा है, पर राम अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा है ऐसा वाक्य आता है तो वो क्या होता है, जहां पे भी नहीं, मना, ऐसी चीज आती है मतलब नेगेटिव होती है, वो नकारात्मक होती है। तो अब यहां पे इसी को मैं ले लेती हूं, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए कहानी पे सकारात्मक बात थी, राम क्रिकेट खेल रहा है, और यहाँ पे आ गया राम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अभी दूसरा भी देख लीजिए, इसी का हम ले लेते हैं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, यहां तक हो गई दो बातें, पहली हो गई अफर्मेटिव, दूसरी हो गई नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए इज राम, तो यहां पे क्या है, राम जो है जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो इज है ये आगे आ जाएगा। तो यहां पे क्या पूछा है मैंने, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। और यहां पे दूसरा सेंटेंस का भी मैं आपको उदाहरण दूंगी, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रही हूं। यहां पे देखिएगा दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक हम बनाते हैं तो वहां पे उसका चिन्ह लगाना भी बहुत जरूरी होता है। अब अगला देखिए, लास्ट जो है हमारा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है परंतु नहीं में पूछा जा रहा है कि क्या राम जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पे प्रश्न भी है और नेगेटिव भी है वाक्य। तो यहाँ पे क्या होगा, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे भी प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सेम अगला सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो क्या आप बनेगा, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गा रही हूं। तो ये तो बन जाएंगे। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि क्या राम नहीं या फिर क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो या फिर ऐसा है राम क्रिकेट खेल रहा है क्या, मतलब वाक्य के बीच में अगर क्या आ जाता है कि, या फिर क्यों पूछा जाता है राम जो है वो क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों आ गया बीच में, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यों तो दिया ही नहीं है, या तो बस क्वेश्चन ये है कि राम क्रिकेट खेल रहा है क्या, परंतु बीच में मान लीजिए क्यों आ गया, तो आप कैसा सेंटेंस बनाएंगे, वो जो सेंटेंस बनाएंगे यहां पर मैं लिख देती हूं, व्हाई राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर क्यों आ जाता है तो इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। और अगर प्रश्न ऐसा आता है कि राम जो है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे इस तरीके के जो सेंटेंस है वो बनेंगे। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे, मैंने आपको कुछ इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कोई सा भी टेंस आएगा बेधड़क सही करके ही आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो वर्तमान में इस समय जो घटना हो रही है, वर्तमान में जो हो रही है उसको बतलाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगता है, और फिर साथ में वर्ब और आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे चार वाक्यों के सेंटेंस बन सकते हैं, चार वाक्य बन सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, चार टाइप्स के। अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पे सकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हें कहा जाता है, मान लीजिए सीता इज कुकिंग फूड, ये हो गया सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव, मतलब सीता कुकिंग नहीं करी है, सीता इज नॉट कुकिंग, ठीक है, फूड वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं।
इंट्रोगेटिव आ जाएगा इज सीता कुकिंग फूड, और लास्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा, ये जो प्रश्नवाचक है इज सीता नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज सीता कुकिंग फूड और यहाँ पे हो जाएगा इज सीता नॉट कुकिंग फूड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बीच में अगर क्यों आता है, हाउ आता है, तो वो आप कैसे लगाएंगे, वाई आ गया, मान लीजिए राम जो है वो कैसे क्रिकेट खेलता है, तो आप ऐसे लिखेंगे हाउ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आप उनको पहले जोड़ देंगे, जब भी वाई आता है, व्हाट आता है, हाउ आता है, व्हेन आता है, तो वहां पे क्या करेंगे उसको हम पहले जोड़ देंगे और जो सेंटेंस है वो उसी तरीके का लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं ऐसा भी करूंगी, बहुत सारे अलग अलग आपके साथ में एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, सारे जो टेंस है जो मैं पढ़ा दूंगी सारे आपको, उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि इनमें से कौन सा टेंस कौन सा है, तो आप कितना आंसर दे पाते हैं, ताकि मुझे भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर लिखिएगा, कोई सजेशन है वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।